नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आधार कार्ड के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आधार कार्ड हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जो कि आईडी कार्ड के रूप में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यदि आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। सुविधा के अलावा व्हाट्सएप एक नया फीचर्स ऐड किया, जिसमें यदि आपको कभी भी किसी तरीके का आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी एरर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप डायरेक्ट उससे चैट कर सकते हैं। जिस आधार चैट बोर्ड से आप जो किसी भी तरीके का चैट कर सकते हैं, जो कि लाइव चैट होता है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी जानने वाले कि किस तरीके से आप आधार चैट के यूज कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, आप अपने मोबाइल फोन में भी इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो, उस लैंग्वेज के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये पेज रिडायरेक्ट होगा। पेज रिडायरेक्ट होने के बाद आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, ये वेबसाइट पूरी तरीके से आपके सामने में दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई तरीके का फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे लास्ट में जैसे आप आइएगा क्लिक करके, आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कभी भी कुछ भी इशू आता है तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोल फ्री नंबर 1947, इस पर आप कॉल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा help@udi.gov.in, इसके ऊपर में मेल भी कर सकते हैं। और सोशल साइट का भी लिंक दिया हुआ, जिसके ऊपर में क्लिक करके डायरेक्ट आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इससे आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नहीं नहीं यदि आप अपने स्टेट का यहाँ पे अगर एड्रेस सर्च करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। जैसे दोस्तों कि आप, मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट कर लेते। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बिहार का ऑफिशियल एड्रेस है वो आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसी तरीके से यदि आप अपने स्टेट का ऑफिशियल एड्रेस देखना चाहते हो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल एड्रेस कहाँ पे है, तो आप वो भी पता कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, पे आपको अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, खुद ब खुद एड्रेस आपके सामने में आ जाएगा। तो जैसे आप इस थ्री लाइन के ऊपर में क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि आपको कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ ग्रीवांस रिडर्सल मैग्नीशियम, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पेज जो फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस पेज पे जैसे आप आइएगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे फाइल एक कंप्लेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे साइड प्रॉब्लम है। तरीके से जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक फॉर्म आपके सामने में खुल के आएगा, जिस फॉर्म को यदि आप भर दीजिएगा, एक फॉर्म दिखाई देगा, जिस फॉर्म को यदि आप फिलअप कर देते हैं उसमें आपका जो है कंप्लेन दायर हो जाएगा। उसके बाद फिर इस स्टेटस को आप चेक भी कर सकते हो। स्टेटस चेक करने के लिए फिर आपको यहाँ पे थ्री लाइन के ऊपर में क्लिक कर देना है, यहाँ के ऊपर में क्लिक कर देना है, फिर से यहाँ पे ग्रीवेंस रेसिडेंटल, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे जैसे आप आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको चेक कंप्लेन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना कंप्लेन नंबर एंटर करके आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस देख सकते हो। मोबाइल फोन में काफी ट्रैक किया है यहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने मोबाइल फोन में ट्रैक कीजिएगा, हो सकता है काम कर रहे हैं। इस ऑप्शन को अपने कंप्यूटर में दिखा रहे हैं, तो जैसे आप आधार लिख करके सर्च कीजिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा आधार मित्रा का। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये जो है इस तरीके से ओपन होता है। फिर यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर जो भी आपका यहाँ पे स्टेटस है, जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पीवीसी कार्ड का स्टेटस चेक करना है, या आधार प्रिंट करना है, या फिर आप आधार कार्ड खो चुके हो, या फिर स्टेटस चेक करना चाहते हो। उसके अलावा यदि कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे में टाइप कर दिए, जैसे हाई लिख करके सेंड कर दिए, करके सेंड कर दिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे इंस्टेंटली तुरंत यहाँ पे मैसेज मिला, हेलो वेलकम टू यू IDAI आधार चैटबोर्ड सर्विस। यदि आप इस तरीके से यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ई आधार इज ए पासवर्ड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ आधार विच इज डिजिटली साइन बाय UIDAI। ई आधार कैन बी डाउनलोडेड, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसमें अपना पासवर्ड एंटर करके आप अपने आधार कार्ड को देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इस आधार मित्रा का जो ये चैटबोट ऑप्शन है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।